नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश डी हजारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आरडीएच सर। सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 18 मई 2020 को कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जो है, तो इस सीजन 12 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पूछा गया है और हम इसी क्वेश्चन को जो है अभी ये लोड हो रहा है सोनी लिव ऐप के माध्यम से दिखा देते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये ओपन हो चुका है हमारे सोनी लिव ऐप में, तो आप भी सोनी लिव ऐप से ये जवाब दे सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आज 18 मई 2020 का और इस सीजन का 10वां क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। विच ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जस्टिस लिबर्टी इक्वेलिटी, ऑप्शन बी ट्रूथ अलोन ट्रियम्स, ऑप्शन सी वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी 26th day of November 1949। यही प्रश्न हिंदी में भी है। हिंदी में यह प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना इनमें से किन शब्दों से शुरू होती है। विकल्प ए न्याय स्वतंत्रता समानता, विकल्प बी सत्यमेव जयते, विकल्प सी हम भारत के लोग और विकल्प डी 26 नवंबर 1949। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सभी को इस सवाल का जवाब पता होगा और अगर नहीं पता है तो मेरे ख्याल से तो ये एक जो है आपने पता करना ही चाहिए। ये हम सभी भारतीय नागरिकों का जो है ये कर्तव्य बनता है कि जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना या प्रियम्बल है तो ये हमें याद होनी चाहिए, और अगर याद नहीं है तो कम से कम शुरुआत तो बिल्कुल पता होनी ही चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि लगभग देश के और हमारे एटलीस्ट हमारे महाराष्ट्र के तो भी हर स्कूल में जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वह जो है असेंबली के वक्त जो है वह उसका पठन जरूरी हो जाता है, जरूरी किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि जो हमारी किताबें रहती है उन किताबों में भी भारत के जो संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल है वह बिल्कुल शुरुआती पेज पर ही छपी होती है। तो वहाँ पे आपको याद होगा कि क्या लिखा होता है। अगर आप नहीं जानते तो हम बता दें कि भारत की प्रस्तावना कुछ इस तरीके से है। हम वो पहले तो प्रस्तावना दिखाने से पहले इस सवाल का जवाब भी दिखा देते और फिर जो है वो प्रस्तावना भी आपके सामने पूरी हम एक बार पढ़ के भी बताएंगे क्योंकि हमने वो पढ़ना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस सवाल का ऑप्शन है वी द पीपल ऑफ इंडिया या हिंदी में हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, या फिर अगर हम मैं मराठी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ तो मराठी में भी है ये आमी भारताचे लोक करके मराठी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी वी द पीपल ऑफ इंडिया या फिर हिंदी में हम भारत के लोग। तो आपको दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब कुछ इस अगर सोनी लिव ऐप पर दे रहे तो सी को क्लिक करना है। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर करने की जो पूरी प्रोसेस है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप एसएमएस के जरिए भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हम पहले ऐप के जरिए इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर रहे हैं। यह है विच ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसे हम सबमिट कर रहे हैं और ये देख सकते हैं आप थैंक यू का लोगो आ चुका है। दोस्तों, ये जो उत्तर है ये आप एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। एसएमएस के जरिए अगर आपको उत्तर देना है तो आपको टाइप करना है KBC, उसके बाद में आपको स्पेस देना है और जो करेक्ट आंसर है वो टाइप करना है। तो आज के प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तो हमने सी टाइप किया है, उसके बाद स्पेस देना है, आपको आपकी उम्र टाइप करना है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 मई 2020 को आपके जितने साल उम्र के कंप्लीट हुए हैं, पूरे हुए हैं, उतनी ही उम्र आपको टाइप करनी है। कुछ हमारे दर्शकों के जो हमको फ़ोन आ रहे थे वो कन्फ्यूज़ थे उम्र के बारे में, तो हम आपको बता दें, हम फिर से बता रहे कि 1 मई 2020 को जितने साल पूरे हुए हैं आपको वही उम्र टाइप करनी है। क्योंकि आपको उम्र का अगर आपका कभी सिलेक्शन होता है तो आपको
जो एज प्रूफ है वो देना पड़ेगा, स्पेस देना है, उसके बाद में आपको टाइप करना है, अगर आप पुरुष है तो एम, महिला है तो एफ और अन्य है तो ओ, और इस एसएमएस को आपको भेजना है आज रात 9 बजे। यह सवाल पूछा गया तो कल 19 मई 2020 रात 8:59:59 के पहले, और भेजना है आपको 509093 इस नंबर पर। हम जो है इस प्रश्न का उत्तर सेंड कर रहे हैं, ये देखिए हमने सेंड कर दिया, शायद हमको यहाँ पे एसएमएस भी आ जाएगा। और अब हम जैसा कि हमने कहा कि हम पूरी प्रियम्बल या प्रस्तावना जो है वह हम इस वीडियो में आपको पढ़ के बताएंगे, तो वह हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं दोस्तों हमें जैसा कि है इसमें हमने कहा था एसएमएस आ भी गया वहाँ से, एसएमएस है थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग इफ शॉर्टलिस्टेड केबीसी टीम विल कॉन्टैक्ट यू इन 7 डेज। तो आज के प्रश्न के जो कॉल आएंगे वो आज से 7 दिन बाद, मतलब कि करीब करीब 25 तारीख को जो कॉल आएंगे वो है 26 तारीख को जो कॉल जाएंगे वो रहेंगे आज के प्रश्न के, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, 25-26 तारीख को जो कॉल आएंगे वो आज के प्रश्न के रहेंगे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये, या इसे उद्देशिका भी बोलते हैं, तो ये है और ये पूरी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, एक है संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हिंदी में, अंग्रेजी में भी अगर आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों वी द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल जैसा कि उत्तर ऑप्शन में हमने बताया अभी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रियम्बल है या प्रस्तावना है, ये हमने आपके सामने अभी दिखाया भी है बिल्कुल प्रूफ सहित, और अगर इसके लिए प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं थी दरअसल देखा जाए तो, क्योंकि ये तो भारत की जो संविधान की घटना, प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल जो है ये हम सभी को याद रहना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल आपको सही जवाब मिल गया होगा, आप जल्दी से जो सही जवाब है वो सोनी लिव ऐप के जरिए या फिर एसएमएस के जरिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप जल्दी से ऑप्शन सी को आज के प्रश्न के लिए उत्तर के तौर पर लॉक कर दीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो या ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता रहता है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथों साथ बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करिएगा। अगर आपको ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।